मदीना के यहूदी घराने में पैदा होने वाला साफ दज्जाल है, जो पहले इस्लाम लाया लेकिन बाद में मुर्तद हो गया। साफ की कुनियत इब्ने सियाद या इब्ने साइद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इब्ने साइद ने मुझसे कुछ बातें की जिनकी वजह से मुझे उसे बुरा कहने में शर्म महसूस होने लगी। कहने लगा, मैंने अपने बारे में लोगों से माजरत की कि मैं दज्जाल नहीं हूँ, लेकिन ऐ असहाबे रसूल, मालूम नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या गुमान हो गया है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि दज्जाल यहूदी होगा और मैं तो मुसलमान हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी और मेरी औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दज्जाल का मक्का में दाखिल होना हराम किया है और मैंने तो हज किया है। वो ऐसी बातें करता रहा, करीब था कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेता।